हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लवली बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन जैसे सबको ही कोई ना कोई शौक होता है, वैसे ही लवली को भी खाने का बहुत शौक था। वो भी नॉनवेज खाना खाने का, क्योंकि वो बहुत चटोरी थी। वो जब देखो नॉनवेज ही मांगती, और जब देखो लवली का मुंह किसी जुगाली करने वाले जानवर की तरह चलता ही रहता। लेकिन लवली बस नॉनवेज ही खाती, और ये उसकी पहली और आखिरी पसंद के समान था। लवली को नॉनवेज की इतनी ज्यादा क्रेविंग होती थी कि वो बिना नॉनवेज खाए एक दिन भी नहीं निकाल सकती थी, और कभी उसे नॉनवेज नहीं मिलता तो वो बीमार सी हो जाया करती। ऐसे ही एक दिन लवली अपने घर में अपने भाई के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है, और अचानक ही लवली को तेज की भूख लगती है, जिसके बाद वो अपनी माँ शोभा को आवाज लगाकर बोलती है, माँ आज खाने में क्या बना रही हो? इतनी बड़ी हो गई है लेकिन हमेशा इसकी माँ ही खाना बनाए, ये नहीं कि कभी एक दिन खुद भी बनाकर हमें खिला दे। माँ आपका बड़बड़ाना बंद हो गया हो तो कुछ चिकन मटन बना लो। नहीं माँ आज नहीं, मैं थक गया हूँ रोज रोज नॉन वेज खा खा कर। हाँ सही बोल रहा है तू, रोज का ही हो गया है इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रोज रोज तेरी ये चिकन मटन खाने वाली आदत हमें कंगाल कर देगी। ये देखो सबके मम्मी पापा बोलते हैं कि नॉनवेज खाया करो, और एक आप है कि। अरे दीदी बस भी करो या फिर लड़ाई करके ही पेट भरना है। बहुत हो गया तेरा ये रोज रोज का नॉनवेज, तुझे पता भी है ये कितना महंगा आता है। आप वो सब छोड़ो, ये बताओ आज बनाया क्या है? जो बना है आज ही बना है, कल से घर में नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले आज तो दे दो माँ, आप दोनों के चक्कर में मैं तो हमेशा पिस जाता हूँ। शोभा सबके लिए टेबल पर खाना लगाती है, और सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। और अगले दिन से शोभा नॉनवेज नहीं बनाती। लवली को नॉनवेज ना मिलने की वजह से वो बहुत गुस्से में शोभा के पास जाकर कहती है, ये क्या आज आपने एक भी नॉनवेज डिश नहीं बनाई? आपको पता है ना बिना नॉनवेज खाए मुझे नींद नहीं आती। अरे महारानी तेरे ये ठाट हम तो उठा लेंगे, लेकिन तेरे ससुराल वालों के आगे नहीं चलेगी, वहाँ तो तुझे उनकी ही बात माननी पड़ेगी ना। आप ना बस बहाने बनाते रहो यहाँ बैठकर, मैं जा रही हूँ बाहर नॉनवेज खाने। तुझे पता भी है बाहर से बना हुआ लाएगी तो कितना महंगा आता है, और साफ सफाई भी नहीं होती, तो तू क्या नॉनवेज के चक्कर में पड़ी रहती है और अपनी तबीयत खराब करती रहती है। आप ना रहने दो, नॉनवेज हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको तो यही लग रहा है कि आप नहीं बनाओगी तो मैं खाना छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बाहर जाकर खा लूंगी। इतना बोलकर लवली नॉनवेज खाने चली जाती है, और बहुत दिनों तक वो इसी तरह रोज बाहर से नॉनवेज लाकर खाया करती थी। दिन गुजरते गए और लवली की नॉनवेज खाने की आदत उसकी लत में बदल गई। अब लवली बिना नॉनवेज खाए नहीं रह पाती थी। कुछ दिनों बाद लवली के लिए विनोद नाम के लड़के का रिश्ता आता है, और शोभा को विनोद बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो दोनों की शादी तय कर देती है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक लवली लगातार नॉनवेज की तरह तरह की डिश बनाया करती थी। ये देखकर एक दिन लवली की सास शालिनी लवली से कहती है, बहू आज कुछ हल्का बना ले, बहुत दिनों से लगातार नॉन वेज ही खा रहे हैं, आज मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, इतना भारी खाना खाने का मन भी नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चिकन सूप बना देती हूँ, वो हल्का रहेगा। अरे नास पीटी, तेरे नॉन वेज के चक्कर में आज मेरी ऐसी हालत हो रखी है, और अब भी तुझे चिकन सूप ही देना है, खिचड़ी बना देना जाकर। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, विनोद जी और अपने लिए कुछ नॉनवेज बना लूंगी। अरे करम जली, तू एक दिन नॉनवेज नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। माँ जी मैं आपके लिए तो खिचड़ी बना रही हूँ ना, अब क्या अपने लिए नॉनवेज नहीं बना सकती? आग लगे तेरे नॉनवेज को, तू तो खुद भी खाकर मरेगी और साथ साथ हमें भी खिलाकर मरेगी। लवली शालिनी की बात को अनसुना कर देती है, और विनोद और अपने लिए नॉनवेज बना लेती है। शाम को जब विनोद ऑफिस से घर आता है तो वही रोज की तरह नॉनवेज को देखकर चिल्लाते हुए लवली से कहता है, ये क्या लगा रखा है तुमने, तुम्हारा मन नहीं भरता है क्या इन सब चीजों से? इतना भी कौन खाता है भला? तुम्हारे नॉनवेज की आदत से पता भी है हमारे घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। तुम्हें भी क्या तुम्हारी माँ ने सिखा दिया? अभी तक तो तुम्हें नॉनवेज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
फिर आज कैसे हो गई? तुम्हें इतना नॉनवेज चल जाता होगा, लेकिन हमें नहीं चलता है इतना। रोज रोज इतना नॉनवेज खाने से बॉडी पर भी इफेक्ट होता है और जेब पर भी। कहाँ से आएगा इतना पैसा नॉनवेज के लिए? नॉनवेज नहीं खिला सकते हो तो क्या ही कर सकते हो? तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, तुम्हें नॉनवेज खाने के लिए कब मना कर दिया? लेकिन ऐसे रोज रोज कौन खाता है? मुझे रोज रोज चाहिए होता है, और वैसे भी आपको क्या ही पता नॉनवेज शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। मैं तो रोज खाऊंगी। इतना बोलकर लवली कमरे में चली जाती है, और लवली पर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने नॉनवेज के आगे किसी की भी नहीं सुनती थी, और वो रोज रोज इसी तरह घर में कभी चिकन के पकोड़े, मटन कोरमा या कबाब की नई नई तरह की डिश बनाया करती। लवली की अलग अलग तरह की डिश को विनोद और शालिनी भी मजबूरन खा लेती। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा, और कुछ दिनों बाद लवली घर में फिश कटलेट बनाती है, और उसको खाते ही विनोद की अचानक बहुत तबीयत खराब हो जाती है, और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। शालिनी और लवली जल्दी से विनोद को पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और विनोद का इलाज शुरू होता है। विनोद का इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, और शालिनी व लवली को बताते हैं, आपने इन्हें ज्यादा नॉनवेज क्यों खाने दिया? क्या इनकी ये हालत नॉनवेज खाने की वजह से हुई है? ये तो कुछ नहीं है, विनोद में बर्ड फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं। अभी आप लोग उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये फ्लू आपको भी हो सकता है। क्या नॉनवेज खाने से बीमारी हो सकती है? नहीं, नॉनवेज खाने से नहीं होती, लेकिन जिस तरह विनोद ने रोज खाया है, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हुई है। देख लिया तेरे नॉनवेज के चक्कर में आज मेरा बेटा कहाँ आ गया? माँ जी मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से विनोद जी की ये हालत हो गई। मुझे नहीं पता था कि नॉनवेज से कुछ ऐसा भी हो सकता है। तूने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन मेरा बेटा तो आज तेरी वजह से हॉस्पिटल तक आ गया ना। मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी तुझसे, चली जाए यहाँ से। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं घर में नॉनवेज कभी नहीं बनाऊंगी, और मैं भी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजिए, मैं आपका और विनोद जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मुझे समझ आ गया है कि खाना नहीं परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। बहू तुझे अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है मेरे लिए, बस अब मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। लवली को अपनी गलती समझ आती है, और वो शालिनी से माफी भी मांगती है। कुछ दिनों बाद विनोद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लवली व शालिनी दोनों मिलकर विनोद को घर ले आती है। विनोद के घर आने के बाद लवली विनोद से भी माफी मांगती है, और आगे से नॉनवेज को लेकर जो उसका पागलपन था उसको भी सुधार लेती है, और अपने परिवार के साथ वेजिटेरियन खाना भी शुरू करती है। विमला की बड़ी बहू कंचन एकदम सुंदर रूपाली थी, जो कोई भी उसके रूप को देखता उसकी तारीफें करते नहीं थकता। पर विमला के छोटे बेटे अखिल ने अपनी पसंद की लड़की संध्या से शादी की थी। संध्या अपने नाम की तरह ही सांवली थी, पर वो बेहद गुणी थी। विमला जितना प्यार कंचन से करती उतना ही वो संध्या से चिढ़ा करती। ऐसे ही एक दिन विमला काफी साड़ियां लेकर घर आती है, और दोनों बहुओं को बुलाती है, और उसके बाद विमला बोलती है, कंचन बहू, संध्या बहू, ये कुछ साड़ियां हैं तुम दोनों के लिए, जो पसंद आए देख लो और ले लो। विमला की बात सुनकर कंचन और संध्या साड़ियां देखने लगती है। तभी संध्या की नजर एक काले रंग की साड़ी पर जाती है, और वो बोलती है, माँ जी मुझे ये काली साड़ी बहुत पसंद है, मैं ये ले लूं? पर ये तो मुझे भी पसंद आई थी, मुझे चाहिए ये वाली। अरे काली घटा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये काले रंग की साड़ी पहनकर जो तू थोड़ा बहुत दिखती है ना, वो भी नजर नहीं आएगी। पर माँ जी मुझे भी यही पसंद है, और मुझे यही चाहिए। चाहने से सब नहीं होता है ना, और भैंस को कभी काला करने की जरूरत नहीं होती, वो तो होती ही काली है जैसे तू। अब चुपचाप ये साड़ी कंचन बहू को दे दे, उसमें ये चांद की तरह चमकेगी। इतना कहकर विमला संध्या के हाथों से साड़ी छीनकर कंचन को दे देती है, और संध्या उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। विमला हमेशा ही संध्या को उसके सांवले रंग के लिए जली कटी सुनाया करती थी, तो वही कंचन भी अपनी सास का बराबर साथ दिया करती थी, और वो जानबूझकर
संध्या को नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग के लिए मार्केट जाती हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है, जहां कंचन बोलती है, भैया जरा अच्छे अच्छे लिपस्टिक के शेड दिखा दीजिए। जी जी बहन जी, अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर दुकानदार कंचन और संध्या को ढेर सारी तरह की लिपस्टिक दिखाता है, जिसके बाद कंचन और संध्या हाथों पर लिपस्टिक लगा लगा कर देखने लगती है। तभी कंचन बोलती है, संध्या एक बात कहूँ? जी दीदी कहिए ना, क्या हुआ? अब मैं तो रूपवती हूँ, मुझ पर तो सारे रंग सुंदर लगते हैं, बस तेरी ही दिक्कत है, हर रंग पहनने का हक नहीं है ना तुझे? दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो रंग पसंद है मैं वही लगाती भी हूँ और पहनती हूँ, भले ही मेरा रंग सांवला है पर मेरे नैन नक्श तो अच्छे है ना। ओह, नैन नक्श अच्छा है तो क्या हुआ, रंग रूप तो मेरा ही अच्छा है, फिर चाहे तो कुछ भी बोल। दीदी इंसान का रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, उसके गुण भी होते हैं, और आप में कितने गुण हैं कितने नहीं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। संध्या की बात सुनकर कंचन को गुस्सा आता है और वो बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, और घर आकर कंचन सारी बात विमला को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, और विमला गुस्से में संध्या के पास जाती है और उसे एक जोरदार चाटा जड़ देती है और बोलती है, क्यों रे काली बिल्ली, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कंचन बहू को इतना सब कहने की? अरे जैसे रात और दिन का कोई मेल नहीं होता ना, वैसे ही तेरा और कंचन बहू का कोई मेल नहीं है। आज के बाद अपना ये काला सा मुँह सोच समझ कर खोलियो, आज तो हाथ उठाया है, कल को तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है, और उसके जाते ही कंचन बोलती है, तो पता चल गया मुझसे जुबान चलाने का नतीजा, आज के बाद फिर कभी मुझसे कुछ कहने की हिम्मत मत करना, वरना पता नहीं क्या क्या होगा। वैसे भी भूलो मत, मेरे पास रूप का खजाना है, जहाँ जाती हूँ माँ जी की इज्जत दोगुनी हो जाती है, और तुम बेइज्जती करवाती हो। कोई बात नहीं दीदी, आपने जो किया मैं उसका बदला नहीं लूँगी आपसे, क्योंकि मैं आपके जितनी गिरी हुई नहीं हूँ, पर भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना, वो खुद ब खुद सब ठीक कर देंगे। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है, और ऐसे ही वक्त बीतता है, और एक दिन विमला कंचन से बोलती है, बहू जरा ये पापड़ सुखा छत पर, आज तेज धूप निकली है। माँ जी मैं क्यों जाऊँ, अब संध्या को भेज दो ना, वैसे भी उसके काले रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वैसे बात तो सही कह रही है, तवा भी भला काला हुआ है, तो फिर माँ जी मैं जा रही हूँ, अब संध्या को भेज दो। इतना कहकर कंचन भी वहाँ से चली जाती है, और विमला संध्या को आवाज देती है और उसे पापड़ सुखाने के लिए छत पर भेज देती है। कुछ देर बाद जब संध्या धूप से नीचे आती है तो उसे देखकर कंचन बोलती है, अरे वाह संध्या, तुम पर तो ढेले भर का भी फर्क नहीं पड़ा, काली तो पहले भी थी अब और ज्यादा दिख रही हो। सही कहा बहू तुमने, अच्छा हुआ बहू जो मैंने इसे पापड़ सुखाने भेज दिया, अगर तू या मैं गए होते तो हम भी इसकी तरह काले दिख रहे होते। कोई बात नहीं माँ जी, काली सही इंसान तो हूँ ना, जानवर तो नहीं हूँ, और वैसे भी कुछ लोग गोरी खाल लेकर पैदा तो हो जाते हैं लेकिन दिमाग नहीं। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है, पर विमला और कंचन के ताने संध्या के लिए कम ही नहीं होते, और अब कंचन का घमंड भी आसमान को छूने लगा था, वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले होते हैं, और विमला कंचन को खाना बनाने के लिए बोलती है, तभी कंचन उसे जवाब देते हुए कहती है, माँ जी मैं नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना, मेहमान आपके हैं ना, तो आप खुद ही बना लीजिए, और हाँ एक दो चीजें मेरी पसंद की भी बना देना, अब मैं अपनी ब्यूटी को ऐसे खराब थोड़ी होने दूंगी, इसलिए आप खुद ही बना लो। इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है, और तभी वहाँ संध्या आकर बोलती है, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगी, और हाँ आप किसी को मत बताना कि ये सब मैंने किया है, और मैं किसी के सामने भी नहीं आऊंगी ताकि आपको मेरी वजह से कुछ सुनना न पड़े, आप ये कह देना कि ये सारा खाना आपकी बड़ी बहू ने बनाया है। संध्या को मेन्यू बताकर विमला भी वहाँ से चली जाती है, और संध्या अकेले बिना किसी मदद के सारा खाना बना देती है। कुछ देर बाद घर पर मेहमान आते हैं, और कंचन और विमला सबको खाना खिलाती है,
खाना खाकर सब खाने की खूब तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर कंचन सबके सामने झूठ बोलती है कि ये खाना उसने बनाया है, पर विमला को ये गलत लगता है और वो सबके सामने बोलती है। जी सभी रुकिए, जो तारीफ आप मेरी बड़ी बहू कंचन को दे रहे हैं असल में ये उसकी हकदार ही नहीं है। ये खाना उसने नहीं बनाया, ये खाना मेरी छोटी बहू संध्या ने बनाया है। रुकिए मैं उसे बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर विमला सबके सामने संध्या को लेकर आती है और बोलती है, ये है मेरी छोटी बहू संध्या। आज तक इसके सांवले रंग की वजह से मैंने इसे हमेशा नीचा दिखाया, भला बुरा कहा, पर इसने आज तक मुझे कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरी हर बात को माना, मुझे इज्जत दी। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे गुण नहीं जान पाई और ये सब करती रही। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं और माँ कभी बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती, बस प्यार करती है। संध्या मुझे माफ़ कर दो, तुम उम्र और रिश्ते में भले ही मुझसे छोटी हो पर गुणों में तुम मुझसे कहीं ऊपर हो। दीदी मैंने कहा था ना कि भगवान सब देख रहा है, और देखा आज खुद ब खुद ही सब ठीक हो गया। ना मुझे कुछ करना पड़ा, ना मैंने कोई चाल चली और ना ही किसी को नीचा दिखाया, फिर भी आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया। कुछ देर बाद मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और अब विमला अपनी दोनों बहुओं को बराबर का प्यार देने लगती है। साथ ही कंचन और संध्या भी सगी बहनों की तरह मिलकर रहने लगती है। इसी के साथ सबको ये समझ आता है कि इंसान का रंग ही नहीं उसकी आदतें और गुण भी उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। कविता को फालतू पैसा खर्च करने की बुरी लत थी, वो जब देखो पैसों को पानी की तरह ही बहाया करती थी। उसका बेटा सचिन एक मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लेता है। अब एक अमीर सास को मिडिल क्लास बहू मिल जाती है तो पंगे तो होने ही थे। जहाँ बहू पैसे बचाती वहीं सास पैसे उड़ाती। फिर एक दिन कविता हाथ जोड़कर अपनी बहू से बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, आज सिर्फ तेरी वजह से हमारे घर की और मेरी इज्जत बच गई। कोई बात नहीं माँ जी, आप बड़ी हैं और बड़े लोग माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, आप बस आशीर्वाद दीजिए। वो तो हमेशा तेरे साथ हैं। मुझे भी माफ़ कर दो राधिका, मैंने भी तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। अरे सचिन जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। चलो अब सब मिलकर खाना बनाते हैं, बहुत टाइम के बाद हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। जी ठीक है, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। अब बस बहुत हुआ कविता देवी, हम और इंतजार नहीं कर सकते। देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। हमें कुछ नहीं सुनना, अब ये घर तो पिक कर रहेगा। देखिए मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। हम पहले ही बहुत वक्त दे चुके हैं कविता देवी, अब और नहीं। कविता उन लोगों से बहुत विनती और मिन्नतें करती है पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते, जिसके बाद वो लोग एक एक करके उसके घर का सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं। इन सब की आवाज सुनकर राधिका वहाँ आती है और वो अपनी सास से पूछती है, माँ जी ये क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं? बहू ये मैं बताता हूँ कि हम कौन हैं। मैं वो हूँ जिससे तुम्हारी प्यारी सासू माँ ने मुफ्त में ज्वेलरी खरीदी थी और अभी तक उनके पैसे नहीं दिए गए। और मैं हूँ वो जिससे इन्होंने फार्म हाउस खरीदा था पर अभी तक उसकी पेमेंट नहीं आई है। माँ जी ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपके ऊपर इतना कर्जा है इन लोगों का? हाँ बहू मैंने इनके पैसे नहीं दिए इसलिए ये लोग हमारे घर को बेचने के लिए आए हैं। क्या, लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनके पास कोई हक नहीं है। हमारे पास पूरा हक है क्योंकि हमने आपकी सास से पहले ही रिटर्न एग्रीमेंट ले लिया था जिसमें ये लिखा था कि अगर ये वक्त पर पैसे नहीं दे पाए तो हम ये घर इनसे जब्त कर सकते हैं। क्या माँ जी ये आपने क्या किया? मैं जानती हूँ बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब अगर इन्हें पैसे नहीं दिए तो हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सचिन आता है और घर का सामान इधर उधर गिरा देखकर वो अपनी माँ से पूछता है, माँ ये सब क्या है, सारा सामान ऐसे बिखरा क्यों पड़ा है? जिसके बाद कविता सचिन को सारी बात सच सच बताती है, जिसे सुनकर सचिन उन लोगों से बोलता है, कितने पैसे देने हैं आप लोगों के? 35 लाख। दे पाओगे? जरूर दे पाऊंगा माँ, मेरे अकाउंट में से निकाल कर इन्हें दे दो। नहीं दे सकती बेटा। क्यों? तेरे अकाउंट से मैंने पहले ही पैसे निकाल लिए थे।
अब क्या करेंगे माँ? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा बेटा। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम इनके पैसे भी देंगे और अपना घर भी नहीं बिकने देंगे। लेकिन वो कैसे? आप दो मिनट रुकिए बस। ऐसा कहकर राधिका अपनी रूम में जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो नीचे आती है तो उसके हाथ में एक बैग होता है। वो उस बैग को उन लोगों को देती है और उनसे बोलती है, ये लीजिए, इस बैग में 20 लाख रुपए हैं और मेरे सारे गहने भी हैं, जो कम से कम 16 लाख के तो होंगे ही। आप लोगों का सारा कर्जा उतर जाएगा इससे। ठीक है, हम ये ले जाते हैं। आपको आपका घर बहुत बहुत मुबारक हो। और हाँ कविता देवी, आज तो आपकी बहू ने आपकी इज्जत बचा ली, अगली बार से ऐसी कोई हरकत मत करना। हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सचिन और कविता राधिका से पूछते हैं, राधिका तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ बहू, तू तो अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर आई थी, फिर ये पैसा और जेवरात ये कहाँ से आए? ये आप दोनों ने ही मुझे दिए थे माँ जी। मैंने? कब? याद कीजिए, कब नहीं दिया आपने मुझे पैसे? जब भी घर में फंक्शन होता था तब भी आप पैसे देती थी, जब आप कहीं घर से बाहर जाती थी तब भी मुझे पैसे देती थी। मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए कि मुझे समझ ही नहीं आया खर्च करूँ तो कहाँ करूँ। और मैं तुझे खामखा ही सुनाती रहती थी कि बहू ये ले ले वो ले ले, पर तूने हमेशा पैसों की बचत की, उन्हें कभी फालतू में खर्च नहीं किया। जी माँ जी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे पैसे की कदर करना सिखाया है। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद मुझे पता चला है कि पैसा कमाना और उसे जोड़ना कितनी मुश्किल का काम है, इसलिए मैं सोच समझकर ही पैसा खर्चती हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, आज सिर्फ तेरी वजह से हमारे घर की और मेरी इज्जत बच गई। चल अब हम मिलकर खाना बना लेते हैं, फिर सब साथ मिलकर खाएंगे। राधिका और कविता मिलकर खाना बना रही होती है। खाना बनकर तैयार हो जाता है और फिर तीनों मिलकर साथ खाना खाते हैं। खाना खाते खाते वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कविता राधिका से बोलती है, अच्छा बहू तेरे पास और पैसे हैं क्या? जी माँ जी, मेरे पास अभी भी 2 लाख रुपए बचे हैं। क्या अब भी तेरे पास इतने पैसे बचे हैं? जी माँ जी, आपको चाहिए? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तू ही रख, तेरे पास रहेंगे तो बचे रहेंगे, वरना मैं तो खर्च ही कर दूंगी। ठीक है माँ जी। खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाता है और कविता के पास भगवान की कृपा से फिर से पैसे आ जाते हैं। कई दिनों बाद इतने सारे पैसे देखकर उसके फिर से होश उड़ जाते हैं और फिर एक दिन वो सचिन और राधिका दोनों को अपने कमरे में बुलाती है और उनसे बोलती है, देखो बच्चों, हमारे पास अब बहुत पैसे हैं और सब दिक्कत भी ठीक हो गई है। हाँ माँ, ये तो कमाल ही हो गया, राधिका ने हमें बचा लिया और इसके शुभ कदमों की वजह से हमारे पास अब फिर से बहुत पैसा है। अब हम फिर से अमीर हो गए, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। फिर सब तैयार होने लगते हैं और मिलकर एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ जाकर कविता महंगे से महंगा खाना ऑर्डर करती है और उसको ये सब करता देखकर राधिका उससे बोलती है, माँ जी इतने पैसे खर्च मत कीजिए। अरे बहू, पैसे खर्च करने के लिए ही तो होते हैं, उन्हें बचाकर कहाँ जाएंगे, तो फिर से मिडिल क्लास जैसी बातें मत कर। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं राधिका, तुम बस आराम से खाना खाओ और कुछ मत सोचो। लेकिन लेकिन वेकिन छोड़ो और ये खाओ। सचिन राधिका को अपने हाथ से खिलाकर उसका मुंह बंद कर देता है। फिर सब मिलकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाकर वो लोग शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। वहाँ जाकर भी कविता सारी महंगी चीजें लेना शुरू कर देती है। अब भी राधिका उसे समझाने की खूब कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर वो सब घर आते हैं और घर आने के बाद कविता बोलती है, बहू तू बता तुझे मजे आए या नहीं? जी माँ जी आए, बहुत आए, पर आपको नहीं लगता कि हमने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए? क्या बहू, तू अभी तक उसी बात पर अटकी हुई है, छोड़ ना उस बात को, अब मजे करने हैं तो पैसे तो खर्च होंगे ही। वो तो सही कह रही हैं आप,
पर फिर भी हमें सोच समझकर ही पैसा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम पैसा पानी की तरह तो बहा देते हैं और फिर जब एक दिन पैसा खत्म हो जाता है तो हम एक एक रुपए के एहसान मंद हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरत है जितनी उतना ही पैसा खर्चे, फालतू ऐसे पैसा बर्बाद करने की क्या ही जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है, आगे से इतने पैसे खर्च नहीं करूँगी। चलो अब सब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। फिर सब सोने चले जाते हैं और कविता एक सपना देखती है। कविता अपने कमरे में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। उसे बहुत अच्छे अच्छे घरों की एक तस्वीर नजर आती है और उसमें से एक घर उसे बहुत पसंद आता है। फिर वो मैगजीन पर लिखे नंबर पर कॉल करती है और उस घर को खरीद लेती है, जिसमें उसके बचे हुए सारे पैसे चले जाते हैं और वो उस घर को सजाने के लिए भी उधारी पर सामान लेती है। और फिर एक दिन कर्जदार कविता के घर फिर से आते हैं और आकर तोड़ फोड़ करने लगते हैं, जिससे कविता जोर से चिल्ला पड़ती है और उसकी चिल्लाने की आवाज राधिका सुनकर उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप चिल्लाई क्यों? देखना बहू, कुछ लोग हमारे घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कौन लोग माँ जी, आप किन की बातें कर रही हैं? अरे वही लोग जिनका मेरे ऊपर कर्जा है। उन लोगों का कर्जा तो मैं दे चुकी हूँ माँ जी। आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इसके बाद राधिका कविता के लिए पानी लेने चली जाती है। उसके जाते ही कविता खुद से बोलती है, कितना भयानक सपना था, मेरे तो हाथ पैर अभी तक कांप रहे हैं, पर अच्छा हुआ कि वो सिर्फ एक सपना ही था। सच में मैं अब कभी भी पैसों को पानी की तरह नहीं बहाऊंगी, बहू की हर बात मानूंगी। इतने में राधिका उसके लिए पानी लेकर आती है, वो उसे पानी पिलाती है और पानी पीने के बाद कविता राधिका से बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, पर अब मुझे सच में समझ आ गया कि पैसों को हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। चलिए अच्छी बात है माँ जी, आपको जल्दी समझ आ गया। इसके बाद कविता कभी भी फालतू के पैसे खर्च नहीं करती और समझदारी और हिसाब से उनका इस्तेमाल करती। फिर सब मिलकर मिडिल क्लास बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।